हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर रेसिपी वीडियो। फिर से एक लेकर आई हूँ हल्की फुल्की सी रेसिपी। लेफ्ट ओवर राइस से बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो अगर आपके घर पे भी चावल बच जाते हैं या अक्सर आप चावल बनाते हैं और वाइट राइस खा के बोर हो गए हैं, तो चलो उनको कुछ इस तरह से पुलाव बना लीजिए। तो मैंने आफ्टरनून चावल बनाए थे दाल के साथ जो कि बच गए हैं, तो रात को मैं इस तरह से पुलाव बना लेती हूँ। और भी मैंने डाला है जीरा, साथ में 2-3 टुकड़े छोटे छोटे डाले हैं दालचीनी के और एक तेज पत्ता। मेरे जो राइस हैं वो भी ऑलरेडी जीरा राइस ही हैं, उनमें नमक भी है जीरा भी है, लेकिन फिर भी मैं उसको इस तरह से अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ। तो साथ में उन्हें डाल दिया लंबा कटा हुआ एक प्याज। अब इसको सौते करेंगे। सब्जियों में आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल सब्जी थी बस मैं उसी से इसको पुलाव बना दूंगी। अब साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और साथ में छोटा छोटा काटा हुआ है मैंने करी लीव्स। अगर आप हरा धनिया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसी के साथ डालूंगी आधी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको फिर से एक बार सौते कर लेंगे। जब भी थोड़ा सौते हो जाए तो आप इसमें सब्जियाँ ऐड कर दीजिए। मैं डाल रही हूँ गाजर, एक गाजर ली है छोटे टुकड़ों में काट ली है, या शिमला मिर्च भी डाली जा सकती है। अब फिर से इसको थोड़ा सा सौते कीजिए। अब साथ में दीजिए एक टमाटर, एक टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे आपको प्यूरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर ऑलरेडी इतना छोटे आप काटेंगे तो अपने आप से मशी हो जाएगा। और रफली ही हम हर चीज़ इसमें डाल रहे हैं, वही बड़ी अच्छी लगती है। और इसको इस तरह से जब ये सौते हो जाए तो मसाले डालेंगे। मैं सबसे पहले नमक ऐड करूंगी। नमक मैं कम डाल रही हूँ, 3-4 चम्मच के करीब, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चावल जो है नमकीन है। साथ में डाली है आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के साथ डालूंगी आधी चम्मच धनिया पाउडर। और मसालों में आप अपनी पसंद के कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें साथ में डालने वाली हूँ पाव भाजी मसाला। सीरियसली गाइज, अगर आप इस तरह से पुलाव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ज़रूर डाल के देखना। बिल्कुल बढ़िया तवा पुलाव का टेस्ट आता है। और थोड़ी सी मैंने रेड चिली डाली है क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रीन चिली भी डाल चुकी हूँ। अब ये डाल रही हूँ कसूरी मेथी। थोड़ा सा हाथों से इस तरह से उसको अच्छे से वो कर लो और ये डल जाएगा और इसका फ्लेवर माइंड ब्लोइंग आता है कसूरी मेथी का। अब आपका एक ही बेसिक ना तड़का सा बन के तैयार है। हल्का सा पानी डालेंगे जिससे कि ना सारे मसाले आपस में घुल जाएंगे। तो चलो बढ़िया सा कि हमारा मसाला बन के रेडी हो गया। अब थोड़ा सा जब ये अच्छे से पक जाए, लगे कि रेडी है, तो इसमें आप अपने बचे हुए राइस ऐड कर दो। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दिया और मैं इसमें राइस ऐड कर देती हूँ बस। अब आप देख रहे हो कि मैंने ना काफ़ी ज़्यादा राइस थे और एक बोल में डाल दिए, तो वो काफ़ी ना इकट्ठे इकट्ठे से हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। ज़रूरत लगे अगर आपको तो हल्का सा यहाँ पे 1-2 चम्मच पानी भी डाला जा सकता है। बस आप ढक के इसको 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लो और आपके बढ़िया राइस बनकर तैयार है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से और ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद है तो डालिए, लेकिन इससे फ्लेवर वाकई बड़ा अच्छा आता है। तो चलो हमारे बढ़िया से एक तरीके से मसालेदार पुलाव बनकर तैयार है जो कि टेस्ट में माइंड ब्लोइंग है, एकदम खिला खिला है और सर्व करने के लिए रेडी है। इसके साथ तो आप अचार, चटनी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में कंप्लीट मील बन गया है। तो चलो गर्मा गर्म सर्व करते हैं। मैं अक्सर ये बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में डेली राइस बनते हैं तो लेफ़्ट ओवर होते हैं, तो ये बना लेती हूँ। और ये टेस्ट में वाकई इतने बढ़िया लगते हैं कि साथ में किसी सब्जी या दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ट्राई करो रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको ये हल्की फुल्की सी रेसिपी अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर देना और इसको ट्राई करो। और इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा इसी तरह की आसान आसान रेसिपीज़ ही शेयर करती हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।